प्रचार के दौरान उठा रही। तो हम देख रहे हैं कि बाकी तो बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसमें किसान सम्मान निधि को दोगुना करने की बात है, यानी राज्य सरकार उसमें अपनी तरफ से 6,000 देगी अगर बीजेपी सत्ता में आती है। इस तरह के तमाम योजनाओं की घोषणा तो बीजेपी ने की है। और बहुत महत्वपूर्ण बात जो बीजेपी कह रही है, बीजेपी की रणनीति है कि उसे लगता है कि राजस्थान में गहलोत सरकार कई मोर्चों पर फैल रही है, तो उसे जनता को बताया जाना चाहिए कि कैसे राजस्थान सरकार ने गंभीरता से विकास के काम नहीं किए हैं, तो उसे भी बहुत जोर शोर से बताया जा रहा है। और जो आज की तस्वीरें हैं आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर राज्य में अपनी एक लोकप्रियता है, तस्वीरों में ये दिखाती है कि कितने लालायित रहते हैं लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनको नजदीक से देखने के लिए। तो आज की ये तस्वीरें भी ये दिखा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता में कितना प्यार है, और वो कितने हम देखते हैं कि चुनावी जनसभाओं में जो भारी भीड़ उमड़ती है वो भी ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग अक्सर उनकी बातें सुनते हैं। और हमने चुनावी जनसभाओं को पिछले 2 दिनों में कवर भी किया है और हमने देखा है कि एक तरह से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर जाते हैं वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता हो और आम जनता हो, उनमें विकास को लेकर जो नजरिया है उस पर खुलकर अपनी बात रखते हैं, उनकी एक प्रतिक्रिया भी हम देखते हैं। और इस तरह के रोड शो में वो तस्वीरें भी दिखाई देती है जो दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, और वो इन तस्वीरों में दिखाई भी देता है। जी बिल्कुल, आपने केंद्रीय योजनाओं का जिक्र किया, उसके लाभार्थी तो हैं ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुखता के साथ जो राज्य की गहलोत सरकार है उसके भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठाया है। और आज तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो गरीबों की लूट करने वाले लोग हैं उनको वो बिल्कुल किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, तो भ्रष्टाचार भी वहां पर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि इस मुद्दे को भी लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया जाए। लालचंद, हम जानते हैं कि हाल ही में अगर आप चुनाव के ऐलान से पहले देखें तो एक लाल डायरी सामने आई थी, और ये तब से ही बीजेपी ये कह रही है कि जैसे जैसे लाल डायरी के पन्ने खुलते हैं अशोक गहलोत की बेचैनी बढ़ जाती है, और उसमें ऐसे ऐसे राज छिपे हैं जो उसमें तमाम ऐसे नेताओं पर आरोप सामने आते हैं। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि हम ये भी जानते हैं कि जो एक लॉकर से कुछ पैसा बरामद हुआ था, और इसके साथ ही साथ हमने देखा कि सोने की ईंट बरामद होने की बात आई और काफी नकद पैसे बरामद होने की बात आई, इस बात का जिक्र चुनावी जनसभाओं में बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में जो भ्रष्टाचार का आलम है वो किस तरह से है कि लॉकरों में इतने पैसे बरामद होते हैं, और अगर बीजेपी की सरकार आती है तो भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि लाल डायरी से हम देख रहे हैं कि मुद्दा एक तरह से बहुत चर्चा में रहा है, उस डायरी का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत सरकार पर लगातार बीजेपी के आला नेता निशाना साधते रहे। और हम तकरीबन हर चुनावी जनसभा में देखते हैं बीजेपी के जो आला नेता है वो राजस्थान में इस बात का जिक्र करते हैं। तो निश्चित तौर पर करप्शन जो राजस्थान में, राजस्थान सरकार में जो रहा है, जो बीजेपी आरोप लगाती थी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की एक तरह से कोशिश बीजेपी की दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि हर चुनावी जनसभाओं में तकरीबन इस पर जरूर बीजेपी अपनी बात रखती है जनता के सामने कि देखिए कि राजस्थान की जनता को कैसे लूटा गया। बिल्कुल, ये मुद्दा है। और साथ में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण का बड़ा आरोप लगाया है, और बल्कि आरोप क्या शैलेंद्र, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिस तरह से वहां पर धार्मिक उन्माद की खबरें सामने आई, बीकानेर से लेकर के उदयपुर से लेकर के और जो कोटा है वहां तक इस तरह की खबरें आई, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में शैलेंद्र। निश्चित तौर पर देखिए आप, हम इस बात का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं लालचंद्र कि बीजेपी जिन मुद्दों की तरफ बहुत केंद्रित करके इस पूरे चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रही है उसमें राज्य में अपराध की घटनाओं को न रोक पाना, अशोक गहलोत सरकार की नाकामी, करप्शन जो राजस्थान सरकार में दिखा और उसके लेकर जो तमाम खबरें आई, फिर लाल डायरी का मुद्दा आया, उस पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी अशोक गहलोत सरकार को निशाने पर ले रही है। आज प्रधानमंत्री ने अपने जनसभा में जादूगर कह के एक निशाना भी साधा, एक तरह से कटाक्ष किया, और ये भी कहा कि जब
बीजेपी की सरकार आएगी तो करप्शन करने वाले वक्ते नहीं जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। जनता से भी एक तरह से हामी भराई, जनता से भी कहा कि क्या उनका जाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखें कि इन मुद्दों पर निश्चित तौर पर बात हो रही है। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं से जो लाभ हुआ है, फिर हमने इस बात को कहा कि किस तरह से कोरोना में 80 करोड़ लोगों को इस बात की चिंता की गई कि भूखाना तो है। हम जानते हैं कि जो गरीब कल्याण योजना में जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, उस बात का जिक्र हुआ। इस 3 साल से हम जानते हैं कि जब से कोरोना आया और उसके बाद से बीते 3 साल से मुफ्त अनाज गरीबों को दिया जा रहा है और आगे 5 साल तक इसे दिया जाएगा, इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं। तो किस तरह से लोग गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं, गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की नाकामी का जिक्र किया जा रहा है। महिलाओं पर जो अत्याचार में राजस्थान अग्रणी राज्य है, उस बात का जिक्र किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी आती है तो जो नशाखोरी की एक समस्या है, ये भी आज ही की जनसभा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करके आए हैं, वहाँ पर हम जानते हैं कि जनसभा मंत्री ने इस बात की ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान सरकार नहीं है नशाखोरी रोकने में, और जिस तरह से बच्चों का बर्बाद हो रहा है, तो ये भी मुद्दा हमने देखा है कि कुछ जगहों पर जहाँ ज्यादा है वहाँ बीपी बहुत जोर शोर से उठा रही है। जी शैलेंद्र, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरे दिन राजस्थान में हैं चुनावी कार्यक्रमों के सिलसिले में, तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को बिल्कुल फोकस कर दिया है चुनाव प्रचार के सिलसिले में। बिल्कुल, आप देखें कि आज ही 2 जनसभाएं और 1 रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देख ही रहे हैं। कल भी 3 महत्वपूर्ण जनसभाएं संभावित हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से। जब उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक राजस्थान में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और हमने कल भी देखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन तमाम स्टार प्रचारकों की जो जनसभाएं हैं, तो बीजेपी की एक रणनीति रहती है कि जब चुनाव प्रचार का आखिरी दौर आता है, हमने गुजरात में भी ये देखा था कि धुआंधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और एक भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा लंबा रोड शो, लालचंद्र जो आपने भी देखा होगा जिस तरह से गुजरात में अहमदाबाद में वो देखने को मिला, तो निश्चित तौर पर रोड शो के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश होती है। और हम संभवतः अगले कुछ दिनों में कुछ और रोड शो देखेंगे, क्योंकि बीजेपी की रणनीति रहती है कि जो आला नेता बीजेपी के हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं करें, ज्यादा से ज्यादा जगह पर जनता से मुखातिब हो। उसके लिए जनसभाओं के साथ साथ कहीं कहीं रोड शो आयोजित किया जाते हैं, और हम राजस्थान में से बड़े स्तर पर राजस्थान में भी होता हुआ देख रहे हैं। जबकि बीजेपी की ये रणनीति है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए चुनावों में, जब चुनाव विधानसभा चुनाव हो या फिर कोई और चुनाव हो, बीजेपी पूरी ताकत लगाती है चुनाव जीतने में। और यही वजह है कि हम कई बार देखते हैं कि जो चुनाव के ऐलान से कई महीने पहले जो खबरें आती हैं और बाद में फिर देखते हैं कि बीजेपी को आशा के मुताबिक नतीजे मिलते हैं। तो ये एक तरह से देखें कि पार्टी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ती जनता को अपनी बात रखने में, और जो विपक्षी दल है उनकी नाकामियों को उजागर करने में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर उनके पास एक सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, जो जमकर एक तरह से देखें जिन जो चुनाव प्रचार करते हैं, जितना संभव हो सकता है उतना एक तरह से देखें कि धुआंधार चुनाव प्रचार महत्वपूर्ण राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो वही राजस्थान में होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब चुनावी जनसभा करते हैं तो एक तरह से देखें जनता से मुखातिब होते हुए उनसे नारे लगवाते हैं, उनसे हामी भरवाते हैं, और उससे एक उत्साह का माहौल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता में दिखाई देता है। राजस्थान की जब बात हम कर रहे हैं तो राजस्थान के विकास को लेकर जो बातें कहते हैं, राज्य सरकार की सफलताओं को लेकर जो बातें कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं कि बहुत उनकी एक अपनी शैली है संवाद की, और वो संवाद तो तरफा होता है जितना संभव हो सकता है। कई बातों पर वो जनता का फीडबैक लेते हैं, हामी भरवाते हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि वो अपनी बात बहुत सफलतापूर्वक
जनता के सामने रखते हैं। और हम सब जानते हैं कि चुनाव दर चुनाव राज्यों के चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलता है, और यही वजह है कि बीजेपी अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक के जरिए राज्य दर राज्य में एक तरह से सफलता पाती। कई बार 2014 के बाद अब देखें तमाम राज्यों में बीजेपी ने उन राज्यों में भी सफलता दोहराई जहां पर उम्मीद नहीं जताई जा रही थी या फिर कुछ आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पार्टी पूरी कोशिश करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी जनसभाओं के जरिए रोड शो के जरिए विपक्ष में माहौल किया जाए, और राजस्थान में भी पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी। जी शैलेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बीकानेर में रोड शो हो रहा है, अगर बीकानेर की बात हम करें विशेष रूप से, तो राजस्थान का जो ये इलाका है, ये मुख्य इलाका जो हम कहते हैं जयपुर और उसके आसपास के इलाके से काफ़ी दूर है, इस इलाके की अगर चुनावी विशेषता की बात करें, यहाँ के चुनावी समीकरण की बात करें, तो क्या खासियत है इस बीकानेर के इलाके की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर को रोड शो के लिए चुना है? देखिए, हम जानते हैं कि अगर आप राजस्थान के बड़े शहरों की बात करें, उसमें जयपुर के बाद आप देखें जोधपुर बीकानेर जैसे महत्वपूर्ण शहर आते हैं, और निश्चित तौर पर जब बीकानेर से आप आगे बढ़ते हैं थोड़ी 200 किलोमीटर पर हनुमानगढ़ आता है जहां पर एक तरह देखें कि एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। तो दरअसल इस पूरे बीकानेर संभाग में आप देखें कि कई महत्वपूर्ण नेता एक तरह से देखें यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, और जानते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उनका भी इलाका है। अगर आप तरानगर चले जाएं बीकानेर से, हालांकि वो थोड़ा दूर है, चूरू में आता है, वहाँ पर देखें राजेंद्र राठौर चुनाव लड़ रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और राज्य में राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। तो कई महत्वपूर्ण नेता बीजेपी के